Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students welcome to AZ International Publishing House Today we are going to study mathematics grade 3 unit number 4 and unit number 4 is about measurement in which we will discuss length mass and capacity Today our topic is real life problems involving subtraction of same units of capacity or volume प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखी थी कैपेसिटी के यूनिट्स की अब हम उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं चेक करते हैं कि रोजमर्रा ज़िंदगी में ये यूनिट्स और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे हमारे कार आमद है वाटर टैंक हैज़ फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन लीटर नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव एम एल ऑफ वाटर आउट ऑफ विच टू हंड्रेड थर्टी फाइव लीटर फाइव हंड्रेड मिली लीटर ऑफ़ वाटर कंज्यूम्ड भई इतनी टोटल कैपेसिटी थी इतना वाटर था टैंक में जिसमें से इतना यूज हो गया हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट द टैंक अब ये वर्ड लेफ्ट जो है ना हमें इशारा दे रहा है कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है बात समझ आ रही है बकाया पानी उस टैंक में कितना है ये हमने मालूम करना है तो जहाँ कहीं भी रिमेनिंग लेफ्ट वगैरह का वर्ड आ जाए टेक अवे आ जाए तो वहां पर हम या कंपैरिजन का पूछ लिया जाए कि कितना फर्क है तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं सप्ट्रेक्शन के खैर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो हमने ऊपर लिख लिया जितना कंज्यूम हुआ वो हमने नीचे लिख लिया लेफ्ट फाइंड करने के लिए यानी रिमेनिंग वाटर फाइंड करने के लिए आपको सब्ट्रेक्शन करनी पड़ेगी तो मिलीलीटर में से मिलीलीटर लीटर करेंगे लीटर में से लीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव में से जीरो लेस किया, 5 आ गया 7 में से फाइव लेस किया फोर आ गया यानी फोर आंसर किसको शो कर रहा है को इसी तरीके से की बात करो तो सेवन में से फाइव लेस करो थ्री फाइव में से टू लेस, लेस करो तो थ्री अब ये किसको शो कर रहा है लीटर को पता चला कि टैंक में जो बकाया पानी है वो उसकी मकदार ये है बात समझ आ गई थ्री हंड्रेड थर्टी टू लीटर एंड फोर हंड्रेड फाइव मिली लीटर भाई यूज होने के बाद इतना पानी बकाया बच गया नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर देखें वाटर वाटर टैंक हैड 45 लीटर लीटर 660 मिलीलीटर एंड 23 liter, 230 वाज यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ मोटरसाइकिल हाउ मच वाटर वाज लेफ्ट इन द टैंक भाई अब इस प्रैक्टिस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर टू हम कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर किसी वाटर टैंक में जो टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर है वो है 45 लीटर 660 हंड्रेड और उसमें से 23 लीटर और 230 थर्टी जो है वो मोटरसाइकिल को धोने के लिए आपने पानी इतना यूज़ कर लिया है तो बकाया कितना पानी बचेगा तो बकाया पानी फाइंड करने के लिए आपको सप्रैक्शन करनी होगी तो सप्रैक्शन करोगे जी जीरो में से जीरो लेस किया सिक्स में से थ्री लेस किया थ्री सिक्स में से टू लेस किया फोर ये आंसर एम में आ गया फाइव में से थ्री लेस किया टू फोर में से टू लेस किया टू तो ये आंसर आ गया लीटर में बात क्लियर है तो पता चला कि बकाया पानी जो टैंक में बचेगा वो है ट्वेंटी टू लीटर फोर हंड्रेड थर्टी मिली लीटर बात समझ आ रही है इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखते हैं अ बोटल हैज़ थर्टी एट लीटर एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एम एल मेडिसन नाज यूज फिफ्टीन लीटर फोर्टी एम एल और मेडिसन फ्राम द बोटल भाई टोटल मेडिसन जो है लिक्विड फॉर्म में है वो इतनी है उसमें से इतनी यूज़ हो गई है हाउ मच मेडिसन वाज लेफ्ट इन द बोटल भाई बकाया आपने बताना है कितना बच गया है तो टोटल क्वान्टिटी लिख लेंगे आप ठीक है या टोटल कैपेसिटी बात कर लें टोटल कैपसिटी ऑफ मेडिसन इन द बोटल तो टोटल क्वान्टिटी जो है वह है थ्री थर्टी एट लीटर एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मिली लीटर ऐसे ही है उसमें से नाज ने जो यूज़ कर ली है नाज ने यूज़ कर ली है फिफ्टीन लीटर 40 एम एल अब बकाया आपने रिमेनिंग फाइंड करनी है तो रिमेनिंग फाइंड करने के लिए हमेशा क्या अप्लाई करते हैं आप लोग सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लोगे हो जाएगा भाई सिक्स में से जीरो लेस करोगे सिक्स बचेगा फ़ाइव में से फोर लेस करोगे वन बचेगा एट एज इट इज़ आ जाएगा एट में से फाइव लेस करोगे थ्री बचेगा थ्री में से वन लेस करोगे टू बचेगा तो आपके पास पता चल गया आपको कि ट्वेंटी थ्री लीटर और एट हंड्रेड सिक्सटीन मिली लीटर ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी बचेगी मेडिसिन की उस बोतल में यूज़ करने के बाद बात क्लियर है तो पहले बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया रिलेटेड टू तो सप्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़